चटनी बनके तैयार है मस्त। क्या इसमें चावल डाल दूंगी मैं। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी मैं पैनकेक बना रही हूँ बिना मिक्सर वाला। ये देखिए अंडा ले ली मैंने, इसको अच्छे से फेंट ली हूँ इसमें और थोड़ा सा दूध डाल के फेंट लूँगी। अभी दो चीज़ डाल दी मैंने इसमें। अच्छा सा फेंटने के बाद शक्कर को मैंने पीस के डाल रही हूँ। हमेशा मैं गुड़ का खजूर का बनाती थी, अभी शक्कर का आज बना रही हूँ। कुछ अलग तरीके से आपको बताऊंगी, मतलब यही नॉर्मल तरीका है, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ हमेशा। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल रही हूँ, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2-3 चुटकी बेकिंग सोडा, ये सब डाल दिए। और 1 चम्मच उतना मैंने गेहूँ का आटा डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ रहा है, देखते एक साथ करके फिर उसमें थोड़ा थोड़ा दूध और बटर या तो तेल डाल देंगे। देखिए इतना थिकनेस आ गया है, थोड़ा सा दूध डाल देंगे, फटाफट बन जाता है, हेल्थी भी होता है ये। एक्चुअली इसमें दूध है, गेहूं का आटा है तो हेल्थी होता है। चाहे तो आप इसमें काजू बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं, अंडा भी है इसमें। देखिए इसको अच्छे से हाथ से फेंट ले रही हूँ मैं, फास्ट फास्ट एकदम। मैंने मिक्सर में बनाई हूँ ना हमेशा, इस बार इसमें बना रही हूँ कटोरे में, ये भी अच्छा ही बनता है। तो अभी ये रेडी हो गया हमारा पैनकेक का बैटर। अब इधर मैंने तवा रख दी हूँ, हल्का सा 2-3 बूंद उतना तेल मैंने डाल के तवे को ऐसा हल्का सा ग्रीस कर ली हूँ। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पैनकेक डाल देते हैं। तवा गर्म हो चुका है तो मैंने 1 पैनकेक डाल दी हूँ। देखिए इतना बैटर थिकनेस रहना चाहिए, ना पतला ना मोटा। इसको बिना ढके बना रही हूँ, ऊपर बबल्स निकल गए हैं, अभी पलटी मार लेते हैं ऐसा। शायद उसको अच्छा लगता है ऐसा वाला पैनकेक, तो मैं जल्दी पैनकेक ही बनाती हूँ स्कूल के लिए, कभी कभी उसको पसंद आता है तो। आज जुम्मा भी है, पुलाव भी बनाने का प्लान है मेरा आज। ऐसे ही एक ही साथ 4-4 बनाते, एक एक बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होते रहेगा, सोची मैंने 4-4 बना दूँ। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार है, सबके बबल्स निकल गए हैं खड्डे खड्डे, फिर पलटी मार लेते हैं एक एक करके। शायद वेट कर रहा पैनकेक। केला भी था, केले वाला बनाने का सोची मैंने, लेकिन वो बोल रहा था कि केला मत डालो, केले का फ्लेवर मुझे नहीं पसंद। देखिए ये अब इस छयास का रेडी हो गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल देंगे ऐसे, तो इसको ऐसा काट के खाएंगे ना अच्छा लगेगा। चॉकलेट सिरप भी रहेगा तो यूज़ कर सकते हैं, मैं वो सब यूज़ नहीं करती हूँ, देखते कभी ना कभी लाना हुआ तो ला लेंगे। ये देखिए इतना अच्छा सा केक जैसा लगता है इसका फ्लेवर, वेट करते खड़ा है। मज़ा आएगी। अभी बाकी के भी पैनकेक में बनाने रखी हूँ शायद के। ये हस्बैंड के लिए पैनकेक और चाय रेडी है। ये चिकन मैंने भिगने डाली हूँ इसका पुलाव बनाने के लिए, अभी आज फ्राइडे है। शायद का लंच बॉक्स रेडी हो गया है, पैनकेक, ड्राई फ्रूट्स, केला, फुल ऑफ प्रोटीन। शेजान को पानी नहला के आ गई हूँ। शेजान पकड़ इसको। शेजान शयू किधर है? शयू स्कूल को गए ना? कैसा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अले ले 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 ले, अले ले ले, अरे गुस्सा क्यों आ रहा है? पानी नहला दी बोल के इतना रो रहा भाई। आ जाओ इधर आओ, मैं तेरे पास, कम हियर, कम हियर, वेयर इज योर ब्रदर? ब्रदर किधर गए? नो गुस्सा नहीं, ये कौन सा गुस्सा है? शैजान को जब भी गुस्सा आता है तो ऐसा लेट के इधर से उधर, उधर से इधर पलटते रहता है। पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, चिकन पुलाव मुंबई स्टाइल का। ये मैंने कांदे को लंबा लंबा काट ली हूँ, अब इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लूँगी। तेल गरम करने रख दी मैंने, इधर चिकन आलू बीन्स रेडी कर ली हूँ, और इधर मसाले ली हूँ, अदरक लहसुन धनिया काली मिर्च जीरा सौंफ का मिक्सचर, और थोड़ा दालचीनी इलायची लौंग कोथमीर पुदीना, ये थोड़ा सा एकनी पुलाव मसाला, एक ही मिर्ची,
बच्चे लोग खाते हैं ना, तेज़ नहीं खा पाते। इधर थोड़ा सा दही और इधर चावल मैंने धो के रख ली हूँ। इधर तेल चढ़ा दी गर्म होने के लिए, इसमें कांदा डाल दूंगी मैं अभी। कांदा डाल दी हूँ, इसको एकदम गोल्डन फ्राई होने देते। कांदा अच्छा गोल्डन फ्राई हो गया है, देखिए। ये मैं आधा किलो की बिरयानी पुलाव बना रही हूँ। इसमें अदरक लहसुन डाल दी मैंने 2 चम्मच उतना, और एक हरी मिर्ची डाल दी ताकि तेज़ ना हो जाए। उसके लिए अलग से मैं चटनी बना दूँगी तेज़ तेज़, अपने को चाहिए तो लगा के खा सकते हैं। अब बच्चों को अलग, हम लोग को अलग ऐसा नहीं बना सकते ना अभी। ये मैंने बाकी के सारे मसाले डाल दी हूँ, कसूरी मेथी, कोथमीर, पुदीना, यखनी पुलाव मसाला, धनिया पाउडर का मिक्सचर, गरम मसाला। अभी बीन्स डाल दी हूँ, अभी आलू भी डाल दी और चिकन भी डाल दूँगी, एक साथ मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। टमाटर नहीं है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बिना टमाटर के ही ये बनता है। कोई कोई एक आध डाल देते हैं, लेकिन दही है तो बस हो जाता है। डालने से अच्छा टेस्ट भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं, ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते, नहीं तो नहीं। थोड़ा सा पानी डाल दिए, अब इसको अच्छा सा थोड़ा सा 1-2 मिनट उतना ही पका के इसमें चावल डाल दूंगी। नमक डाल दी, अभी मैंने हो गया 2 मिनट तो चावल डाल रही हूँ थोड़े थोड़े करके ऊपर ऊपर से। चावल डाल दी, पानी जितना चाहिए उतना डाल दी मैंने, जितना चावल ली उतना ही मैंने पानी डाली हूँ, थोड़ा सा कम क्योंकि कुकर में बन जाता है। अभी मैंने दही भी ऐड कर दी थी, देखिए। अभी नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने नमक डाल दी। लास्ट में ऐसा नमक चख के देख लेने का सही है या नहीं, फिर ये 2 विजल के बाद बन जाएगा। याद है नमाज जाके। वालेकुम अस्सलाम। अंडे लेके आए। ओ, 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 ओ पापा को देख के नाचने का, देखो नाचने का कैसा। शैजान पापा आ गए। ओ हो हो अंगी। गिर गिर के ये खुश होने का। या 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 फ्रिज में अंडे रख देती हूँ। पुलाव के लिए थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ मैं। इमली, कांदा, हरी मिर्ची और लहसुन, इसको एकदम बारीक सा पीस लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। और ये थोड़ा पुदीने के क्यूब्स है, पुदीना खत्म हो गया तो मैंने क्यूब्स रखी थी तो वही यूज़ कर ली हूँ, नहीं तो भी चलेगा। इसमें अभी नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। एकदम तेज तेज चटनी बनके तैयार है। पुलाव फीका है बच्चों के हिसाब से, हम लोग को तेज चाहिए तो चटनी डाल के खा सकते हैं। चटनी बनके तैयार है मस्त। थोड़ी सी दही डाल दी मैंने, कुछ ज्यादा ही तेज था तो अभी सही हो गया और टेस्टी बन गई है चटनी। अभी मैं थोड़ा घर की सफाई करके नमाज पढ़ लेती हूँ। अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, पुलाव और चटनी। शेजन भी आके बैठे हैं सयाज के स्कूल पे। शेजन कैसा है मम्मू? शेजन को मैंने छोटी प्लेट में डाल के दी, वो बैठा है खाएगा ही नहीं, क्या बोलूं। चलिए फिर खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ फिर से, आज मीटिंग है स्कूल में, क्या मालूम बार बार मीटिंग रहती है। जा रही जूता पहनूं या चप्पल पहनूं समझ नहीं आ रहा, कड़क धूप है। Thank you.
चलिए मीटिंग हो गई है, आधे घंटे की मीटिंग। एग्जाम्स है ना बच्चों के, अभी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। सैजन की मस्ती बहुत है, पेंटिंग चल रही है। थक गई मैं, तीन माला चढ़ के शैजान को उतार दी, खुद ही चढ़ के जा रहे। शैजान को छोड़ दी हूँ अकेला जाने के लिए, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। देखते घर मालूम पड़ता है या नहीं इसको, अभी इधर घूम गया तो घर मालूम है। हाँ घुमा, घर मालूम है इसको। मम्मी आए या नहीं देखता है। शयास का ट्यूशन चालू है, एग्जाम क्लास, टेस्ट आने वाले हैं शयास के। देखिए ABCD लिखा उसने अभी, इधर मैचिंग लेटर्स है, देखिए सब मैंने लिख के दी थी तो हो गया इसका अभी करके। देखिए हमें ना देखिए। हाँ मैं देख लूंगी, पापा तुम लिख लो जल्दी, आपको आफ्टर नंबर्स लिख लो जल्दी जल्दी। A for apple, C for cat, D for drum, M for mango, N for nest, pencil, good, right. ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, MashaAllah. अभी मैं ये सब हो गया इंग्लिश का, अभी मैथ्स दी हूँ मैं, मैथ्स कर रहा है और मैथ्स के बाद ड्राइंग। टेस्ट नज़दीक आ रहा है तो लोड हो गया उस पर। अभी मैं ड्राइंग करके दी हूँ इसको, झाड़ सब, अब उसका सेम निकालना चाहिए वो। ये भी मैंने करके दी हूँ, ये भी निकाल देगा बारिश, डॉगी इंसान। हड़गम बड़गम छुड़ा दी। चलो चलो लिख के जल्दी जल्दी ड्राइंग कर लेना, फिर ख़त्म हो जाएगा ट्यूशन। मैं सेवई रोस्ट करके रख रही हूँ, अभी फ्री ही हूँ तो शाम का टाइम है। कभी एक सुबह सुबह उठते साथ बनाना रहेगा ना, तुरंत उठे बघारे और बनाए। एक दिन पहले ये सब करके रख लेते ना, आसान हो जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ भी नाश्ते के लिए। अभी इसके बाद मैं रवे को भी रोस्ट करके रख लूँगी। सेवई को मैंने रोस्ट करके रख ली हूँ, अब इधर रवे को रोस्ट कर रही हूँ स्लो आंच पे। रवे को भी मैंने रोस्ट करके ले ली हूँ। ये है छन्नी के नीचे का हिस्सा, मैंने अलग कर दी और इसको मैं छन्नी के नीचे के हिस्से में ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा रवा डाल रही हूँ। देखिए ऐसा अंदर से जा रहा है वो। ऐसा एक दिन पहले एक सब करके रखते ना, जब भी फुर्सत रहेंगी तब, जब बनाना रहेगा ना आसान हो जाता है। ऐसी सब कुछ डाल लूँगी। सेवई को भी मैंने पैकेट में, जो पैकेट में था वही पैकेट में रख दी ठंडा होने के बाद। इस तरह से मैंने डाल दी। रात में हस्बैंड बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक, बनाया जा रहा है। केला खजूर की तरह, केला खजूर काजू बादाम भी डाल रहे, बहुत हेल्दी होता है ये बना रहे हैं हस्बैंड जी। मैं तो नहीं पीऊंगी क्योंकि मुझे हल्का सा खांसी है और हो जाएगी डबल, क्योंकि उसमें केला है ना, केले में खांसी डबल हो जाएगा फिर। तो ये अपने लिए बना ले रहे हैं, ये पहले जिम जाते थे ना तो ये बना बना के पीते थे। काजू बादाम हो गया। हमारा डिनर हो गया है, अभी ये 12 बजे ये बना रहे हैं मिल्क शेक अपने लिए, खुद के लिए। मेरे को तो खांसी है, नहीं पी पाऊंगी मैं। प्रोटीन शेक, शकील शेख के हाथों से बन गया है प्रोटीन शेक।
क्या है ये है डोले डोले की पुडिंग शेक कश्मीर के हाथ से बना हुआ प्रोटीन शेक काजू केला खजूर बस तीन बादाम नहीं डाला खांसी है ना खांसी चले जाएगी अच्छा है मीठा है ज्यादा ही मुझे अच्छा लगता है इतना मीठा देखिए किचन की हालत गौर से देखिए मेरे किचन को और इस शख्स को इसलिए मस्त है मेरे हाथ का रहता तो और अच्छा रहता तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बाय अल्लाह हाफिज़